हेलो दोस्तों, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। आज इंग्लिश स्पीकिंग जिसका टारगेट हमने 30 डेज यानी 30 दिनों का रखा है, उसका आज दूसरा दिन है। तो आज दूसरे दिन में हम बात करेंगे, अगर हमने जो आपको वर्क दिया था इससे जो पहला दिन स्पीकिंग में जो पहला दिन था उस वीडियो में, और जो हमारे दोस्त पहला वीडियो नहीं देखे हैं उस इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक हम दे रहे हैं, आप उसके माध्यम से पहला दिन वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर इसी प्रकार से आप 30 दिन यानी अगर 30 डेज ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो स्टरडे वी हैड टॉक अबाउट यूज ऑफ देयर, हम लोगों ने कल यानी पहले दिन में देयर का यूज समझा था। और आई हैड आल्सो गिवन ए 50 सेंटेंस टू यू ओनली स्पीक, मैंने केवल आपको 50 सेंटेंस दिए थे आपको बोलने के लिए, और ये बहुत ही इजी सेंटेंस थे, बहुत ही सरल सेंटेंस थे जिनको आपको बोलना था। अगर आपने वो 50 सेंटेंस लगे उसमें से अगर 25 भी सेंटेंस आपने सही से बोले हैं या किसी भी प्रकार से आपने अगर बोलने का प्रयास किया है तो आप यकीन मानिए कि आपका पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा है। दूसरे दिन में आज हम देखेंगे सेंटेंस को किस प्रकार से हम बोलते हैं। अब दोस्तों ये बताइए, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति कहता है कि आप कितने भाई और कितने बहन हो, यानी कहने का अर्थ है यदि आपसे कोई कहता है कि आपको कि कितने भाई हैं तो आप किस प्रकार से बोलोगे। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है कि आप इंग्लिश में बताइए, अंग्रेजी में आप बोलिए कि आपके कितने भाई कितने बहन या आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे दोस्तों, बताइए कैसे बोलेंगे आप। तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा आई हैव, क्या बोलना पड़ेगा दोस्तों, आई हैव। अगर आपके परिवार में 7 सदस्य हैं तो आई हैव 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। दोस्तों आपको बोलना है ओनली, क्या बोलना है, आई हैव 7 मेंबर, क्या यहाँ पर यूज करना है, यानी अगर आपसे कहा जाए कि आपके कितने भाई कितने बहन हैं तो भी आपको बोलना पड़ेगा आई हैव 1 sister एंड ब्रदर। बिल्कुल इजी दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या यूज करें, हैव। अगर आपसे कहा जाए कि क्या आपके पास मोबाइल है, यस आई हैव। आपके पास में पेन है, यस आई हैव। यानी अगर आपके पास में जितनी भी चीजें, ऐसे ही पता चल रहा है कि जितनी भी चीजें आपके पास में हैं उन चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं, हैव लगा देते हैं। आपके पास में जितनी चीजें हैव लगाते हैं, बहुत इजी। आपके पास में जितनी चीजें हैं आप बोल कर देखिए और हैव को यूज कीजिए, आई हैव अ पेन, आई हैव टी शर्ट, आई हैव मोबाइल, आई हैव ब्लैक बोर्ड, आई हैव बुक, आई हैव। आप जितनी भी आपके पास में सामग्री है, जितनी भी चीजें हैं उनके लिए आप किसका यूज करेंगे दोस्तों, याद रखना आपको यूज करना है हैव का। और इस प्रकार से अगर आप लगभग दिन में अगर 50 सेंटेंस बोलते हैं या मान लीजिए 20 भी सेंटेंस बोलते हैं तो आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो दोस्तों आपको अभी इसी वक्त 5 बार अपने मन में आपको बोलना है, हम आपको टाइम देंगे और लगभग 10 सेकंड में आपको 5 बार बोलना है, जितनी भी आपके पास में चीज है जल्दी से आपको बोलना है, बोलिए आई हैव ए पेन, आई हैव ए शर्ट, आई हैव मोबाइल, आई हैव बाइक, आई हैव बैग, आई हैव बुक्स, आई हैव ब्लैक बोर्ड, आई हैव, जो भी चीजें हैं आपको 20 सेंटेंसों का यूज करना है, जल्दी से आप बोलिए। 20 सेंटेंस बोलेंगे, हैव को यूज करेंगे, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हैव, यानी जितनी भी चीजें आपके पास में आपको केवल बोलना पड़ेगा हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव। इसके पश्चात में अब ये तो हो गया हैव, यानी अगर आपके पास में कोई चीज है स्वयं के पास में, है ना,
आपके पास, यानी आप स्वयं के पास में, अगर स्वयं के पास में कोई चीज होती है तो इसके लिए क्या लगते हैं, हैव लगाते हैं, हैव। लेकिन यदि दूसरे के पास में कोई चीज है, याद रखें दूसरों, ये दोस्तों दूसरे के पास में अगर कोई चीज है तो वहां दूसरे के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो यू के लिए भी हैव लगता है। तो दोस्तों ये कुछ हम आपको ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, इनको आपको फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको बोलना भी है। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला वर्ड आपको यूज करना हैज, हैज। दूसरा वर्ड यूज करना हैव। तीसरा वर्ड यूज करना हैव। तीन वर्डों का कमाल है, आपको 100 सेंटेंस अभी याद हो जाएंगे। और इससे पहले हमने बात की थी देयर की, फिर से एक बार बता रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स पहला वीडियो नहीं देखे बहुत आवश्यक है, वो वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि इस प्रकार से आपको केवल हमको देना है कितने दिन, 30 days, केवल आपको 30 दिन हमको देना है, और उसके पश्चात में देखेंगे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों पहला जो वीडियो अवश्य देखें, उसके पश्चात में आप दूसरा वीडियो देखिए, और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो सके और आप भी किसी के समक्ष अपनी बातों को इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सकें। तो हैज का देखेंगे, हैज का हिंदी में मीन्स होता है पास है, पास है, या आपके पास में जितनी भी चीजें रखता है, रखता है मतलब यानी जितनी भी चीजें आपके पास में हैं उसके लिए क्या लगाएंगे, हैज। और हैव का मतलब होता है पास है या रखता है, रखते हैं, आप देख सकते हैं, रखते हैं का मतलब क्या हुआ, यानी जितनी भी चीजें आप रखते हैं उसके लिए, जो बहुवचन में आती हैं, जो ज्यादा चीजें हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज होगी यानी एक वस्तु होगी, यहाँ पर बहुत सी वस्तुएं होंगी, ठीक है। और यहाँ पर हैड में ये क्या होगा, इसको बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा होगा पास था, दोस्तों रखता तो दोस्तों चौकी जी लाइट चली गई थी और जिसके कारण थोड़ी देर वीडियो कुछ रहा, क्योंकि लाइट इसलिए गई जिससे, क्योंकि आप लोगों ने लाइक नहीं किया, इसलिए लाइक कर दीजिए, अब नहीं लाइट जाएगी। तो कहाँ पर थे, स्टार्ट करते हैं हम, जहाँ पर बात कर रहे थे, अगर नहीं में बहुत आएगा, पास है या पास है या कोई भी चीज़ आपके पास में बहुत सी चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको क्या लगाना, हैव लगाना दोस्तों। और अगर आपके पास में कोई चीज़ थी, पास था या रखता थी या आप रखते थे, कोई भी चीज़ आपके पास में पहले कोई भी चीज़ थी अब नहीं, यानी पास्ट टेंस में अगर आपके पास में कोई चीज़ थी तो वहाँ पर क्या करना है, आपको हैड लगाना है। केवल आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं, हैज किसके लिए, पास है या रखता है, आपके पास में जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए क्या लगाएंगे, आप हैज लगाएंगे, है जब पास हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पर, पास हैं या आप रखते हैं, ऐसे तरह पर हैव लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, पास था या रखती थी या रखते थे या रखते रखता था। तो ये आपको केवल यहाँ पर तीन वर्डों का आप इनको याद रखना है। कल हमने आपको बताया था किसका यूज, देयर का यूज, और यहाँ पर आपको केवल तीन वर्डों को याद रखना है, कौन कौन से, हैज, हैव और हर। चलिए दोस्तों देखते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा और इसको लॉन्ग कर लेना है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ये एक वचन बहुवचन और होता क्या है। तो जो यहाँ पर प्रोनाउन में ही सी इट आ जाएगा दोस्तों, ये ही सी इट यानी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन अभी हम आपको समझा रहे हैं, सिंगुलर नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एक वचन, अगर कोई भी व्यक्ति एक वचन होगा, यानी अगर एक व्यक्ति होगा तो वहां पर हैज लगेगा, अगर आई वी यू और दे ये बहुवचन यानी प्लूरल नाउन होगा तो वहां पर क्या लगाएंगे, वहां पर हम लगाएंगे हैव, और ये सभी के साथ में लगाएंगे, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। तीन चीजें याद रखनी है, आई मीन्स होता है मैं, अगर आपके पास में कोई चीज है तो आप हैव ही लगाएंगे हमेशा, हम यानी हम
ये बहुवचन में आता है, हम ज्यादा लोग हैं वहां पर क्या करेंगे, हैव ही लगाएंगे, यू के साथ में हैव लगाना, दे के साथ में हैव लगाना। अब देखते हैं कहां कहां लगाना है हमें हैव। दोस्तों जैसे एक सेंटेंस, मेरे पास पेन है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे पास चलिए अपनी बात कर रहे हैं, यानी आई की बात की जा रही, क्या लगाओगे, हैव। तो आई हैव अ पेन, वेरी इजी दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा सेंटेंस प्रकार से देखेंगे, अब देखना है उसके पास पेन है, अब तो मेरे पास पेन नहीं है, किसके पास में, उसके पास में, उसकी केंद्रीय क्या होती है, ही, क्या होती है दोस्तों, ही, और ही के साथ में क्या लगाएंगे, ही के साथ में क्या लगाएंगे, हैज, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, बिल्कुल इजी। अब तीसरा सेंटेंस देखेंगे, उसके पास या तुम्हारे पास, आपके पास की बात कर रहे हैं, आपके पास पेन था, आपके पास पेन था, था मिस क्या, पहले था, अब नहीं है पेन, तो क्या हो जाएगा, यू, यहाँ पर दोस्तों क्या लगाएंगे, सभी के साथ में, अगर आपके पास में कोई चीज पहले थी और अब नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, यू हैड अ पेन। देखिए दोस्तों डिफरेंस, आई, ही और यू, हैव, हैज और हैड, ये देखना है आपके पास में कोई चीज है, यहाँ पर आई यानी आपके पास में, वी, यू, दे अगर आता है तो हैव लगाएंगे, ही सी आएगा हैज लगाएंगे, और सभी के साथ ये हैड लगाएंगे। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, मेरे पास कार है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे पास कार है, तो आई, आई के साथ में क्या लगेगा, हैव, आई हैव अ कार। फिर क्या करेंगे, उसके पास या किसी का नाम लिख देंगे, मोहन के पास कार है, क्या हो जाएगा, मोहन एक व्यक्ति है, एक वचन, हैज अ कार। और रोहन के पास, यानी रोहन के पास कार थी, क्या हो जाएगा, रोहन एक वचन है, हैज अ थी, थी पहले की बात है, तो रोहन हैड अ कार। तो दोस्तों देखते हैं, बहुत इजी है, अब आपको बोलना है, सेंटेंस बोलेंगे, आपको बोलना है इस प्रकार से, मेरे पास 100 रुपए हैं, आपको बताना है कैसे बोलेंगे हम, मेरे पास 100 रुपए हैं, बताइए कैसे बोलेंगे। तो 100 रुपए के लिए क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, क्या हो जाएगा, आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपए हैं, कितना इजी है। फिर उसके पश्चात में देखेंगे, मेरे पास मोबाइल फोन है, आई हैव अ मोबाइल फोन, दोस्तों आपके पास में जितनी चीजें हैं उनके लिए क्या लगाएंगे, हैव, मेरे पास मोबाइल नहीं है तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो मोबाइल, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई हैव नो बाइक, मेरे पास कार नहीं, आई हैव नो बाइक, यानी कहने का नो कार, यानी कहने का ऐसा है कि जितनी भी चीजों को आपके पास में जितनी चीजें हैं उनके लिए आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अभी आप बोलकर देखिए, जो भी आपके पास में चीजें हैं केवल आप 5 मिनट बोलकर देखिए, आई हैव अ पेन, जो भी आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं उनके लिए आप इसका यूज करेंगे, हैव, हैव और ओनली हैव का यूज करेंगे। दूसरे के पास में जितनी चीजें हैं उनके लिए हैज, हैज और हैज का ही यूज करेंगे। अगर आपके पास या दूसरे के पास में जितनी चीजें थी उसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे हम हैव। आइए और थोड़ा सा आपका माइंड शार्प करते हैं और आगे देखते हैं सेंटेंस, थोड़ा सा बड़े सेंटेंस, थोड़े से बड़े सेंटेंस देखेंगे। जैसे एक किसान के 4 पुत्र थे, बहुत इजी, एक किसान के 4 पुत्र थे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसान, क्या हो जाएगा, अ फार्मर,
बताइए दोस्तों, एक वचन अफर्मर क्या लगेगा? थे, 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 क्या हो जाएगा दोस्तों? A farmer had, आप यहाँ पर भी देखना है आपको सेंटेंस क्या कर रहा है, यहां से सेंटेंस को आपको उल्टा लिखना है, रिवर्स कर देना है। तो a farmer had कितने? 4 sons, a farmer had 4 sons। दोस्तों एक किसान के दो भाई थे, एक किसान के दो भाई थे, क्या हो जाएगा? अ फार्मर हैड टू ब्रदर्स। दोस्तों इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस होगा आप आसानी से कर लेंगे, केवल आपको क्या है बोलना है, सेंटेंस को अपने मन में बोलना। अभी आपको अगर बोलने में कोई संकोच हो तो आप किसी के सामने मत बोलिए, लेकिन अपने आप में जरूर प्रोनाउंस कीजिए। अगर आप अपने मन में इसको बोलेंगे, बोलते बोलते आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आप अनावश्यक आप कहीं पर भी आप बोलना नहीं चाहेंगे फिर भी आपके मुख से निकल आएगा। इसीलिए आप रोजाना प्रैक्टिस कीजिए और लगभग 50 सेंटेंसों को आप बोलिए। 50 सेंटेंसों को बोलेंगे, धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है इंप्रूव होगी और आपको अच्छी प्रकार से बोलना आ जाएगा। तो आज आप हमने बात किया हैज हैव हैड, बहुत ईजी है, आपको बताना है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राम के तीन भाई थे, क्या हो जाएगा? थे, राम हैड थ्री ब्रदर्स। दोस्तों बहुत इजी है, उसके पास एक खेत है, उसके पास हैज अ फील्ड। अब आपको क्या करना है, लगभग इसी प्रकार की जो आपके आसपास हैं, जो आपके पास में हैं, लगभग उनमें 50 सेंटेंसों को आपको बोलना है। ये आपके लिए वर्क होगा दोस्तों, 50 सेंटेंसों को आपको बोलना है, और ये तो 50 सेंटेंस बोलना है, और आप लोग इससे पहले कभी आपके विद्यालय में, अगर आप स्कूल गए नहीं गए, फिर भी आपको बताया जाता होगा गाय पर निबंध लिखने के लिए, गाय पर निबंध, यानी ऐसे लिखने के लिए आपको बोला जाता था। तो आप ऐसे लिखेंगे गाय पर, कैसे लिखेंगे आपको बहुत इजी तरीका बताना है, गाय पर आपको ऐसे कैसे लिखना है। तो वर्क कभी बता रहे हैं क्या क्या आपको वर्क करना रहेगा, गाय पर आप ऐसे कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना हिंदी में, गाय एक पालतू जानवर है, या ऐसे बोल सकते हैं घरेलू, है ना, पालतू जानवर है। तो लिखेंगे द काउ इज डोमेस्टिक एनिमल। दूसरा अब क्या करना है, गाय के दो आंखें होती हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है। अब आप कभी भी, आपसे अगर कहा जाएगा कि गाय पर निबंध लिखिए, तो गाय क्या, गाय कुत्ता बिल्ली हाथी सब पर आप तुरंत लिख देंगे ऐसे, और केवल 5 मिनट में लिख देंगे। आपको केवल ये देखना है, गाय के दो आंखें होती हैं, क्या हो जाएगा, द काऊ होती है ना, द काऊ क्या लगाओगे, हैज, द काऊ हैज टू आईज। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, जो भी चीजें हैं गाय के पास में, जितनी भी चीजें उसके पास, सब में हैज लगा दो, गाय के चार पैर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, द काऊ। अगर आपको द काऊ बार बार नहीं लिखना है, तो वहां पर आप सी का भी यूज कर सकते हैं, द काऊ हैज 4 लेग्स। इसी प्रकार से आप इसके अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं आप एक बड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं,
तो इस प्रकार से आपने देखा आज आपको ये जो दूसरा दिन था, दूसरा दिन तभी समझ में आएगा आपके जब तक आप स्वयं वर्क नहीं करोगे। इसीलिए आपका आज का वर्क रहेगा, वर्क क्या रहेगा दोस्तों, आपको वर्क करते रहना है। अगर आपको पूर्ण इस वीडियो का और इस चैनल का पूर्ण लाभ लेना है तो आपको क्या करना है, 50 सेंटेंस को आपको बोलना है, 50 सेंटेंस को बोलना है। बोलने का तरीका, अगर आप किसी के समक्ष नहीं बोल पाते हैं तो आप मिरर के सामने शीशे के सामने खड़े हो जाइए और थोड़ा अपने मन में नहीं बोलना है, तेज बोलना, तेज बोलना, 50 सेंटेंस को आपको स्पीक करना है। और ये केवल स्पीक आप करना, कौन सेंटेंस अभी तक हमने जो बताया है, पहला बताया देयर का यूज, और आगे कुछ नहीं आपको बोलना है, केवल देयर का यूज और हैज, हैव और हैड। दोस्तों आप हमारे साथ में बने रहिए, हैज, हैव और हैड का यूज आपको करना है। क्या बोलना है, 50 सेंटेंस आपको 50 सेंटेंस बोलने हैं इसमें, 50 सेंटेंस। और क्या करना है, और आपको एक इसे लिखना है, एक क्या करना है, इससे, इससे किस पे लिखना है, ऑन काउ, आपको क्या करना है, एक गाय पर निबंध लिखकर भी देखना है। यानी कहने से आप, अगर आपको टाइम मिल रहा है, नहीं आप लिख सके तो आप बोलिए, नहीं तो जो बच्चे वर्क करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वर्क करना चाह रहे हैं, जो भी व्यक्ति अगर सीखना चाह रहे हैं, अगर ये काम कर लेंगे, एक उनको इसे निबंध पर, काउ पर लिखना है, अगर निबंध वो लिख लेंगे तो ये उनका दूसरा दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। और फिर बातें करेंगे हम तीसरे दिन में जो अन्य जो सेंटेंस है उनके बारे में, और आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों ये आपका दूसरा दिन, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो आपके रिलेटिव बंधु मित्र हैं, जिससे उनको इस वीडियो का और इस जो चैनल का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ यानी सभी क्लासों की मैथ, इंग्लिश, जीएस की वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।